thousand years later. सो दोस्तों फाइनली वी आर ऑफ टू मनाली एंड बहुत ज़्यादा ही मैं एक्साइटेड थी बिकॉज मैं बहुत टाइम से सोच रही थी वहाँ की स्नोफॉल देखना है, मुझे माउंटेन देखना है, मुझे हिल स्टेशन देखना बहुत पसंद है. और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा एक्साइटमेंट लेवल कितना ज़्यादा था बिकॉज मैं जब माउंटेन देखती हूँ तो मेरे को एक अलग ही फीलिंग, मैं एक अलग ही जोन में चली जाती हूँ. एंड हम लोग लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़ एंड देन फाइनली हम लोग मनाली पहुँचे थे. उसके बाद हम लोग मनाली रात में पहुँचे थे, इस वजह से अनफॉर्चुनेटली मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज बहुत ज़्यादा ही अंधेरा था तो कोई मतलब नहीं बनता है. हे दोस्तों, दिस इज नेक्स्ट मॉर्निंग एंड ये देख सकते हैं आप लोग व्यू. और ये हमारी दूसरी मॉर्निंग है. आई एम सॉरी मैं रात में शूट नहीं कर पाई बिकॉज मैं थोड़ा सा फील अच्छा नहीं कर रही थी, मुझे कोल्ड हो गया था बहुत ज़्यादा और ईयर भी पेन होने लगा था तो इसी वजह से मैं शूट ही नहीं कर पाई रात में. और हम लोग रात में 12 बजे पहुँचे हैं तो यस, और मेरी आवाज़ से तो आप समझ ही सकते होंगे कि मेरा गला भी बैठ गया है. तो आप व्यू देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू है इसमें. और -15 डिग्री सेल्सियस है और हम लोग यहाँ पे इस समय रुके हुए हैं और हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और हम लोग अब दूसरा होटल देखेंगे. अभी तो फिलहाल देखते हैं कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, तो वो सब चीज़ें मैं आप लोग को अपडेट करती रहेंगे. तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल में और ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर होटल एंड बहुत ही खूबसूरत व्यू था, फ्रंट में भी बहुत अच्छा व्यू था. क्योंकि मुझे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा ही पसंद है और इस सीज़न में मैं जब गई थी तो मुझे स्नोफॉल बहुत अच्छे से मिली. और मैं आप लोग को आगे की वीडियो में भी बताऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ पे गई थी. तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग भी की थी और लगा मनाली मैं पहले भी जा चुकी हूँ बट इस हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इस समय मुझे स्नोफॉल देखने को मिल चुकी थी. और फाइनली जब हम लोग माल रोड के लिए निकले थे तो मुझे बहुत सारी भूख लग गई थी, बहुत ज़ोरों से भूख लग गई थी तो मैंने बीच में मोमोज खाए थे एंड देन माल रोड में गए थे, शॉपिंग किया था. दोस्तों मैं मनाली के माल रोड में आई हूँ और अब मैं जा रही हूँ माल रोड मार्केटिंग करने, देखते हैं कि कैसे सामान है यहाँ पे. फिलहाल तो मैंने अभी एक कोट यहाँ लिया है जो बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पे था. लेट्स गो. आंटी जी इसका क्या प्राइस है वैसे? इसका ये कोट पर 300 का, 300 रुपये. अच्छा ठीक है. एक्चुअली फ्रेंड्स वहाँ के जो कपड़े के कलेक्शंस थे वो बहुत ही अच्छे थे और मुझे लॉन्ग बूट बहुत ज़्यादा ही पसंद आए थे बिकॉज जो प्राइस यहाँ पे हमारे लखनऊ में बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली मिलते हैं वहाँ पे 1500 रुपये मिल रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा ही मुझे अच्छे लगे. सो दोस्तों ये जैकेट्स हैं, ये जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म भी है बट ये 300 रुपए की है तो मनाली के हिसाब से ये रेट बहुत अच्छा है. और तो ये मैं आपके दुकान के बारे में दिखा रही हूँ, प्रॉब्लम तो नहीं है. तो दोस्तों ये देखिए आप पूरा इनका कलेक्शन है, बहुत अच्छा है.
300 रुपये में, और स्वेटर भी आप लोगों को मिल जाएंगे, जैकेट स्वेटर 300 रुपये। काफ़ी अच्छी मार्केट है, तो चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या मिल रहा है। ओके, तो ये अंदर गली में हम लोग आए हैं। ये कौन सा गली लगता है, ये गली कौन सा लगता है? ये गली नहीं है, गली बंद है। नहीं नहीं, मार्केट ये कौन सी है? ये सरस्वती मार्केट। कौन सी? सरस्वती मार्केट। ओके, हम लोग सरस्वती मार्केट की तरफ एंटर कर रहे हैं, मतलब लाइक ऐसा ही है। तो देखते हैं कलेक्शंस, यहाँ पे शूज़ के कलेक्शंस हैं, वेरी नाइस। दिस इज बूट्स, वाओ। ये आपकी शॉप है? नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे बूट्स के कलेक्शंस वैसे काफ़ी अच्छे हैं, और शूज़ भी हैं काफ़ी, जीन्स भी हैं, शॉल, स्वेटर्स। ओके, तो भैया ये हाफ में लॉन्ग बूट कितने के? 1000। ये 1000 रुपीज़ के हैं। कैप यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, ग्लव्स एंड कैप की। ओके, ये पकड़ो भैया, कैप दिखाइए मुझे, ब्लैक कैप, ये ब्लैक वाली दिखाइए। इस कैप को क्या बोलते हैं? कैसे करते हैं ये कैप? 300 रुपीज़। ये कितने की है? 350 की है। ओके, तो आप लोग मुझे बताइए कौन सी कैप अच्छी लगती है मुझे। तो दोस्तों इतनी सारी कैप देखी, बट मैं अब फाइनली ये वाली कैप ले रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कैसी कैप लगी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये पूरी मार्केट है, अलग अलग नाम है एरियाज का। ओके, और अब धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश होने लगी है, बट ये देखिए रेस्टोरेंट है, ओके। अब तो हमें थोड़ी सी भूख लग रही है, कुछ खाते हैं यहाँ पे बारबेक्यू। शेर पंजाब, ओके, देखते हैं क्या रेंज है इसकी। फर्स्ट चिकन में चिकन सूप, चिकन हमारे पास। ओके, मैक्सिकन हाफ फुल में मिलेगा, एक्स्ट्रा स्पाइसी रहता है, इटालियन नॉन स्पाइसी है, ये भी हाफ। हाँ जी, मसाला डिश है, ये डीप फ्राई हो गई, डीप फ्राई। हाँ जी। ओके, ये कितना सर? ये वैसे एरिया कौन सा है? लेकिन बहुत ही अच्छा लगा, जितनी देर रहे हम लोग वहाँ सोच रहे थे वहाँ से वन विहार और हडिम्बा टेम्पल जाने के लिए सोच रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं जा पाए बिकॉज इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी थी। तो वहाँ से लोग जाना शुरू कर दिए थे, तो हम लोगों ने सब लोग ने डिसाइड किया कि यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, सीधे वापस होटल जाना चाहिए, तो होटल में हम लोग चले गए थे। तो ये दोस्तों और एक जगह है, और जैसे कि आप ओके, तो आप लोग देख सकते हैं ये व्यू। अरे मैम, आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। मैंने सुना है कि आप कैंप्स ले रही हैं, तो क्या करने वाली हैं फिर आज आप? आज हम लोग बहुत फाइन नाइट है, और आज बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे अपने दोस्तों के साथ। अब आपकी चाय आ चुकी है? हाँ। ओके, चलिए जा रही हूँ चाय पीने, बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है इस समय। ओके, लेट्स गो।
आधे ही रास्ते में अभी पहुँचे वैसे तो गुलू टेम्पल के, बट मेरे खुरापाती दोस्त को एक चीज समझ में आया, खुरापाती विचार आए खुरापाती दोस्त को, खुरापाती विचार इधर देख यो।